Hello everyone, welcome to class number 18 of the chapter Java Programming. आज के क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है रैपर क्लास. ये रैपर क्लास क्या है, रैपर क्लास का कॉन्सेप्ट हम जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्यों यूज करते हैं, इसके बारे में आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन और जानते हैं रैपर क्लास क्या है, रैपर क्लास को हम क्यों यूज करते हैं जावा प्रोग्रामिंग में. ओके, तो जैसे कि हम जानते हैं जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. तो क्या हम जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एक प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोल सकते हैं? नो, जावा इज ए 99% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है हम बोल सकते हैं. बट 1% हम ये बोल सकते हैं कि जावा प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है. क्यों? क्योंकि जावा में आप देखे होंगे कि हम प्रिमिटिव डाटा टाइप्स के बारे में पढ़ चुके हैं. प्रिमिटिव डाटा टाइप्स या फिर बिल्ट इन डाटा टाइप्स को यूज करके हम वहां पे वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं. ओके, प्रिमिटिव डाटा टाइप्स को यूज करके हम ऑब्जेक्ट डिक्लेयर नहीं करते. तो एक पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को 100% प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम तब बोल सकते हैं कि अगर उस पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हर एक कॉन्सेप्ट क्लास एंड ऑब्जेक्ट को बेस करके अगर हो तो. बट यहाँ पे प्रिमिटिव डाटा टाइप्स का कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करता, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि जावा 100% प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है. ओके, क्योंकि अभी हम क्या कर सकते हैं, जावा में प्रिमिटिव डाटा टाइप्स को यूज करके वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हैं जो कि ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करता. ओके, बट जावा को 100% प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाने के लिए जितने भी प्रिमिटिव डाटा टाइप्स थे उनको ऑब्जेक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए जावा में और एक नया कॉन्सेप्ट इंक्लूड किया गया, जिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं रैपर क्लास. ओके, सो रैपर क्लास एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को मेनली इसीलिए जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंप्लीमेंट किया गया है या फिर इंक्लूड किया गया है, ताकि एक पर्टिकुलर जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो प्रिमिटिव डाटा टाइप्स हैं जो कि ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करते, तो उनको ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करके टोटल एक जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को प्योरली 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाने के लिए रैपर क्लास के कॉन्सेप्ट को जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंक्लूड किया गया है. सो रैपर क्लास जो कॉन्सेप्ट इंक्लूड किया गया है जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, उसका मेन काम क्या है? रैपर क्लासेस प्रोवाइड ए वे to use primitive data types as object. Primitive data types को object के form में use करने का एक माध्यम, एक जरिया हमें provide करता है, जो concept, उस concept को हम बोलते हैं wrapper class. Okay, so wrapper classes are used for converting primitives into objects and objects into primitives. Okay, wrapper class एक ऐसा concept है Java programming language का जो कि हर एक primitive data types को object के form में represent करता है और ऑब्जेक्ट को फिर से प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में कन्वर्ट भी कर सकता है. तो सिंपल टर्म में हम ये बोल सकते हैं कि जो भी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स का कॉन्सेप्ट हमारे जावा प्रोग्राम में था, जो कि ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को बेस नहीं करके प्रोग्राम में यूज हो रहा था, तो उसको ऑब्जेक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए और पर्टिकुलर जावा प्रोग्राम को प्योरली 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाने के लिए रैपर क्लास के कॉन्सेप्ट को जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंक्लूड किया गया है. ओके, So, ये कुछ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं जो कि हम यूज करते हैं. प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं. न्यूमेरिक डेटा टाइप जो हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स वो हैं बाइट, सॉर्ट, इंट एंड लॉन्ग. उसके बाद फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप जो हमारा था वो था फ्लोट एंड डबल. देन बुलियन डेटा टाइप हमारा है बुलियन. तो ये कुछ हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं. सो हर एक प्रिमिटिव डेटा टाइप को हमने यहाँ पे क्या किया है, एक एक रैपर क्लास के थ्रू उसको ऑब्जेक्ट के फॉर्म में यूज करने के लिए यूजर को प्लेटफॉर्म या फिर फैसिलिटी प्रोवाइड किया है. तो बाइट प्रिमिटिव डेटा टाइप के लिए रैपर क्लास क्या है, बाइट. यहाँ पे देखो हर एक रैपर क्लास, क्लास का मतलब जब हमने यहाँ पे आइडेंटिफायर के बारे में पढ़ा था तो वहाँ पे नेमिंग रूल्स के बारे में पढ़ा था कि कोई भी क्लास का नाम हम शुरू करते हैं कैपिटल लेटर से, इसीलिए हर एक रैपर क्लास का नाम यहाँ पे शुरू हुआ है कैपिटल लेटर से. सो बाइट प्रिमिटिव डाटा टाइप के लिए रैपर क्लास है बाइट. सॉर्ट प्रिमिटिव डाटा टाइप के लिए रैपर क्लास है सॉर्ट. वैसे इंट के लिए इंटीजर, लॉन्ग के लिए लॉन्ग, फ्लोट के लिए फ्लोट, डबल के लिए डबल, बुलियन के लिए बुलियन, वैसे कैर के लिए कैरेक्टर. हर एक प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, जितने भी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं, हर एक प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के लिए हमारे पास रैपर क्लास अवेलेबल हैं और हर एक रैपर क्लास कैपिटल लेटर से शुरू होता है. तो यहाँ पे कैर नहीं है, कैर भी एक तरह का प्रिमिटिव डेटा टाइप है, तो कैर का रैपर क्लास क्या होगा, कैरेक्टर. ओके, तो समझ आ गया रैपर क्लास क्या है, रैपर क्लास को हम जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्यों यूज करते हैं. सो वी यूज रैपर क्लास इन जावा
to wrap primitive data types into object form. Firstly, हम रैपर क्लास को इसीलिए जावा में यूज करते हैं ताकि एक जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हर जगह पे ऑब्जेक्ट के फॉर्म में कॉन्सेप्ट को यूज किया जाए. तो यहाँ पे रैपर क्लास के कॉन्सेप्ट को यूज करके हमने क्या किया, जो भी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स थे जो कि ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करते थे, उनको हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में उसको हमने रैपिंग कर दिया है. मतलब ऑब्जेक्ट के थ्रू जो कि हम प्रिमिटिव डाटा टाइप्स को डायरेक्टली यूज करके वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते थे, रैपर क्लास के थ्रू हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट के थ्रू, मतलब हम वहां पे रैपर क्लास के थ्रू उनके ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और ऑब्जेक्ट के थ्रू उन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स को यूज करके वेरिएबल में वैल्यूज को स्टोर करेंगे. मतलब जो चीज हम डायरेक्टली करते थे उस चीज को यहाँ पे हमने इनडायरेक्टली क्रिएट कर दिया है. वही सेम प्रिमिटिव डाटा टाइप्स को हम यूज करेंगे बट ऑब्जेक्ट के फॉर्म में यूज करेंगे, क्योंकि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. ओके और उसके साथ साथ रैपर क्लास को यूज करने से सिर्फ हम प्रिमिटिव डाटा टाइप्स को ऑब्जेक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं करते, उसके साथ साथ और कुछ यूटिलिटी मेथड्स भी हम डिफाइन करते हैं उन प्रिमिटिव्स के लिए. मतलब जो प्रिमिटिव डाटा टाइप यूज करके जो वेरिएबल्स हम डिक्लेयर कर रहे हैं, उन वेरिएबल्स में जो हम वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, उनके लिए हम कुछ यूटिलिटी मेथड्स या फिर फंक्शंस डिफाइन करते हैं. जैसे कि अगर मैं एक वेरिएबल में स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर किया हूं और स्ट्रिंग वैल्यू को मैं इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट करना चाहता हूं, कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू को मैं वहां पे डबल या फिर फ्लोट वैल्यू में कन्वर्ट करना चाहता हूं, या फिर कोई भी नॉर्मल इंटीजर वैल्यू को स्ट्रिंग वैल्यू में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो उसके लिए कुछ मेथड्स होते हैं. वो मेथड्स भी हमें प्रोवाइड करता है रैपर क्लास. क्या करने के लिए, हर एक रैपर क्लास के ऑब्जेक्ट को यूज करके उसके अंदर जो वेरिएबल्स हैं, जो प्रिमिटिव्स के द्वारा जो वेरिएबल्स डिफाइन किए गए हैं, उन वेरिएबल्स के वैल्यू को लेके ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए. ओके सो इंटीजर क्लास मेथड, तो हमने देखा हर एक प्रिमिटिव डाटा टाइप के लिए अपना अपना अलग अलग से रैपर क्लास है. इंटीजर डाटा टाइप इंट डाटा टाइप को रिप्रेजेंट करने के लिए रैपर क्लास है इंटीजर, बाइट डाटा टाइप को रिप्रेजेंट करने के लिए रैपर क्लास है बाइट, फ्लोट डाटा टाइप को रिप्रेजेंट करने के लिए रैपर क्लास है फ्लोट, कैर डाटा टाइप को रिप्रेजेंट करने के लिए रैपर क्लास है कैरेक्टर. ओके सो इंटीजर क्लास मेथड, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि रैपर क्लास को हम यूज करते हैं जावा प्रोग्राम में प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को रैप करके उसको ऑब्जेक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए, और उसके साथ साथ हर एक प्रिमिटिव वैल्यूज को लेके कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए वो क्या करता है, हमें कुछ मेथड्स भी प्रोवाइड करता है, कुछ फंक्शंस भी हमें प्रोवाइड करता है. ओके सो इंटीजर क्लास मेथड, इंटीजर क्लास मेथड मतलब इंटीजर क्लास में जो ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं वो ऑब्जेक्ट क्या क्या मेथड्स क्या क्या फंक्शंस यूज करके उन प्रिमिटिव वैल्यूज को लेके ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है. सो इंटीजर इज ए रैपर क्लास, हम जानते हैं इंटीजर एक रैपर क्लास है. किस पैकेज का, जैसे कि हमने पैकेज स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा था जावा के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते वक्त, तो एक पैकेज के अंदर क्या होता है, कलेक्शन ऑफ क्लासेस होते हैं. तो यहाँ पे जो इंटीजर रैपर क्लास, फ्लोट रैपर क्लास, जितने भी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के रैपर क्लासेस हैं, सारे रैपर क्लासेस के कलेक्शन जिस पैकेज में है उस पैकेज को हम क्या बोलते हैं, लैंग पैकेज. ओके सो इंटीजर इज ए रैपर क्लास ऑफ लैंग पैकेज दैट होल्ड्स एन इंट वेरिएबल. इंटीजर एक रैपर क्लास है लैंग पैकेज का, जहां पे वो इंट वेरिएबल को होल्ड करके रखा है. मतलब इंट प्रिमिटिव डाटा टाइप को यूज करके उसके अंदर हमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया है. तो अगर हम इंट डाटा टाइप को यूज करके एक वेरिएबल में कुछ वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं, तो इंटीजर रैपर क्लास को यूज करके उसके ऑब्जेक्ट के थ्रू हम उस वेरिएबल में क्या कर सकते हैं, इंटीजर वैल्यू स्टोर करके रख सकते हैं. सो इंटीजर रैपर क्लास, हर एक रैपर क्लास बोथ इंस्टेंस मेथड एंड क्लास मेथड्स सपोर्ट करते हैं. तो किस तरह के मेथड्स को हम इंस्टेंस मेथड्स बोलते हैं, किस तरह के मेथड्स को हम क्लास मेथड्स बोलते हैं, जिस तरह के मेथड्स या फिर जिस तरह के फंक्शंस को हम उस पर्टिकुलर क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, उस तरह के मेथड्स या फिर उस तरह के फंक्शंस को हम बोलते हैं इंस्टेंस मेथड्स, और जिस तरह के मेथड्स या फिर जिस तरह के फंक्शंस को हम उस पर्टिकुलर क्लास के नेम के थ्रू डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, उस तरह के मेथड्स या फिर उस तरह के फंक्शंस को हम बोलते हैं क्लास मेथड्स. सो हर एक रैपर क्लास बोथ इंस्टेंस मेथड एंड क्लास मेथड्स को सपोर्ट करते हैं या फिर यूज करने के लिए अलाउ करते हैं. तो यहाँ पे मैंने एक मेथड का एग्जांपल लिया है, मैंने पार्स इंट मेथड, जो कि डायरेक्टली क्लास के नेम को यूज करके क्या कर सकता है, क्लास के नेम को यूज करके डायरेक्टली इस मेथड को हम एक्सेस कर सकते हैं. तो जिस तरह के मेथड्स को हम डायरेक्टली क्लास के नेम के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, उस तरह के मेथड को हम क्या बोलते हैं, क्लास मेथड और स्टैटिक मेथड. सो पार्स इंट मेथड का काम क्या है, इंटीजर रैपर क्लास में हम पार्स इंट मेथड को यूज करके प्रिमिटिव वैल्यूज को लेके किस तरह का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं. सो अगर यूजर
एक स्ट्रिंग वैल्यू इंसर्ट कर रहा है, मतलब प्रिमिटिव्स वैल्यू जो है वो प्रिमिटिव वैल्यू अगर एक स्ट्रिंग वैल्यू है तो उसको पर्टिकुलर स्ट्रिंग वैल्यू को इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए हम इंटीजर रैपर क्लास में जिस तरह के स्टैटिक मेथड या फिर क्लास मेथड को यूज करते हैं, उस स्टैटिक मेथड या फिर क्लास मेथड का नाम क्या है? पार्स इंट मेथड। ओके, सो दिस पार्स इंट मेथड रिटर्न्स एन इंटीजर वैल्यू। ये पार्स इंट मेथड क्या करता है? पार्स इंट मेथड स्ट्रिंग वैल्यू को एक्सेप्ट करके एज ए इनपुट हमें क्या रिटर्न करता है? हमें इंटीजर वैल्यू या फिर डेसिमल वैल्यू एज ए आउटपुट रिटर्न करता है। जैसे कि एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है, कोई भी जावा प्रोग्राम को हम शुरू करते हैं मेन क्लास से, मतलब कोई भी जावा प्रोग्राम में और कोई क्लास हो ना हो, मेन क्लास होना जरूरी है। कोई भी जावा प्रोग्राम को हम क्लास से शुरू करते हैं तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर क्लास को मेन क्लास हम कब बोलते हैं? अगर उस पर्टिकुलर क्लास के अंदर हमने मेन मेथड या फिर मेन फंक्शन को यूज किया है। तो यहाँ पे हमने मेन मेथड को लिया है क्लास के अंदर, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एआरजीएस, जिसके अंदर मैंने क्या किया, इंट डाटा टाइप को यूज करके एक वेरिएबल डिक्लेयर किया एक्स। उस पर्टिकुलर वेरिएबल में मुझे क्या स्टोर करना है? इंटीजर वैल्यू स्टोर करना है। ओके, बट यूजर ने क्या इनपुट किया है? यूजर से हमने क्या एक्सेप्ट किया है? यूजर से हमने एक्सेप्ट किया है स्ट्रिंग वैल्यू। ओके, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम यूजर से अगर स्ट्रिंग वैल्यू को एक्सेप्ट करते हैं, बट उस स्ट्रिंग वैल्यू को मुझे एक इंटीजर वेरिएबल में स्टोर करना है, तो उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग वैल्यू को इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए हम जिस तरह के मेथड को यूज करते हैं इंटीजर रैपर क्लास का, उस मेथड को हम क्या बोलते हैं? पार्स इंट मेथड। ओके, सो इंट एक्स इक्वल्स टू इंटीजर, यहाँ पे क्या है? क्लास नेम है, रैपर क्लास का नेम है, और रैपर क्लास का नेम यूज करके डायरेक्टली जबकि हम पार्स इंट मेथड को एक्सेस कर पा रहे हैं, तो इसीलिए पार्स इंट मेथड एक स्टैटिक मेथड या फिर क्लास मेथड है हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे 1, 2, 3 जो है डबल कोट के अंदर है, मतलब ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है, और स्ट्रिंग वैल्यू को पार्स इंट मेथड यूज करके जबकि हम एक्सेस कर रहे हैं तो वो क्या करेगा? इसको इंटीजर वैल्यू के फॉर्म में असाइन करेगा, किसको? एक्स वेरिएबल को। ओके, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को हम क्यों यूज करते हैं? आउटपुट प्रिंट करने के लिए हमारे आउटपुट स्क्रीन में या फिर कंसोल स्क्रीन में। ओके, सो एक्स का वैल्यू अभी क्या है? 1, 2, 3 जो कि नंबर है, तो यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा 1, 2, 3। ओके, सो वैसे ही डबल क्लास के मेथड्स हैं, जो मेथड हम इंटीजर रैपर क्लास में यूज करते हैं उन्हीं मेथड्स को हम डबल मेथड डबल रैपर क्लास में भी यूज कर सकते हैं, फ्लोट रैपर क्लास में भी यूज कर सकते हैं, कैरेक्टर रैपर क्लास में भी यूज कर सकते हैं, बाइट रैपर क्लास में भी यूज कर सकते हैं। हर एक रैपर क्लास में बोथ स्टैटिक एंड इंस्टेंस मेथड्स अवेलेबल होते हैं, मतलब स्टैटिक मेथड मतलब जिसको हम क्लास मेथड बोलते हैं, एंड इंस्टेंस मेथड जो मेथड ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस होते हैं। तो हर एक रैपर क्लास में बोथ इंस्टेंस मेथड एंड क्लास मेथड्स अवेलेबल होते हैं। ओके, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे इंटीजर रैपर क्लास में मैंने पार्स इंट मेथड को यूज किया, वैसे ही डबल रैपर क्लास में क्या होगा? पार्स डबल मेथड। ओके, पार्स डबल मेथड का काम क्या होगा? स्ट्रिंग वैल्यू को डबल वैल्यू में कन्वर्ट करना। जैसे पार्स इंट मेथड का काम क्या था? स्ट्रिंग वैल्यू को इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट करना। वैसे पार्स डबल मेथड का काम क्या है? स्ट्रिंग वैल्यू को डबल वैल्यू में कन्वर्ट करना। तो ये भी एक तरह का स्टैटिक मेथड है, जिस तरह के मेथड को हम डायरेक्टली क्लास के नेम के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। इस तरह का मेथड हमें क्या रिटर्न करेगा? डबल टाइप का वैल्यू रिटर्न करेगा, स्ट्रिंग टाइप के वैल्यू को एज ए इनपुट एक्सेप्ट करके। एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हो, सेम एग्जाम्पल है। तो मुझे क्या करना है? मैंने यहाँ पे डबल डाटा टाइप यूज करके एक वेरिएबल डिक्लेयर किया एक्स, जिस वेरिएबल में मुझे डबल टाइप का वैल्यू स्टोर करना है, बट यूजर ने इनपुट किया है स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू। ओके, तो वहां पे डबल क्लास के पार्स डबल मेथड को यूज करके हम क्या कर सकते हैं? स्ट्रिंग वैल्यू को वहां पे क्या कर सकते हैं? डबल वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं, और कन्वर्ट करके उसको असाइन कर सकते हैं एक्स वेरिएबल को। और फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन मेथड, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन स्टेटमेंट को यूज करके जब हम एक्स का वैल्यू प्रिंट करेंगे तो वो क्या प्रिंट करेगा? वहां पे प्रिंट करेगा वो डबल वैल्यू। डबल वैल्यू मतलब कोई फ्रैक्शनल वैल्यू है, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है, तो वहां पे पॉइंट आ जाएगा 1, 2, 3.0। ओके, तो वैसे ही मैंने बोला हर एक रैपर क्लास में सेम टाइप के मेथड्स होते हैं, बट क्लास के हिसाब से अलग अलग होता है। जैसे कि पार्स इंट इंटीजर क्लास का मेथड है, पार्स डबल डबल क्लास का मेथड है, पार्स फ्लोट क्लास का मेथड है। ओके, सो वैसे फ्लोट भी एक तरह का रैपर क्लास है जो कि लैंग पैकेज में है, और वो क्या होल्ड करके रखता है? फ्लोट वेरिएबल को होल्ड करके रखता है। और उस पर्टिकुलर फ्लोट वेरिएबल में जो वैल्यूज हैं, उन वैल्यूज को लेके अगर हम कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करना चाहते हैं तो वहां पे फ्लोट रैपर क्लास हमें कुछ मेथड्स प्रोवाइड करता है। किस किस तरह का मेथड्स? इंस्टेंस मेथड्स एज वेल एज क्लास मेथड्स। इंस्टेंस मेथड्स मतलब जिन मेथड्स को हम ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, और क्लास मेथड्स मतलब जिन मेथड्स को डायरेक्टली हम क्लास नेम के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। सो जैसे कि इंटीजर क्लास में पार्स इंट मेथड था, डबल क्लास में पार्स डबल मेथड था, वैसे ही
फ्लोट क्लास में पार्स फ्लोट मेथड होता है जिसको यूज करके हम कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू को फ्लोट वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं और फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को रिटर्न कर सकते हैं और रिटर्न होकर उसको कोई ना कोई वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया एक वेरिएबल बाय यूजिंग फ्लोट डाटा टाइप। तो उस वेरिएबल में अगर मुझे फ्लोट वैल्यू स्टोर करना है बट यूजर ने वहां पे इंसर्ट किया है क्या स्ट्रिंग वैल्यू, तो उस स्ट्रिंग वैल्यू को कन्वर्ट करके फ्लोट वैल्यू में फ्लोट वेरिएबल में स्टोर करने के लिए हमने यहाँ पे यूज किया फ्लोट रैपर क्लास का पार्स फ्लोट मेथड को। ओके, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन स्टेटमेंट यूज करके जब एक्स का वैल्यू प्रिंट करेंगे तो वो क्या है, एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, तो वहां पे रिप्रेजेंटेशन उसका आउटपुट का क्या होगा 123.0। ओके, सो अभी तक और भी जितने बाकी रैपर क्लासेस हैं उन सारे के सारे रैपर क्लासेस में, जैसे कि अभी हम यहाँ पे यूज करेंगे बाइट रैपर क्लास का पार्स बाइट मेथड, वैसे पार्स बाइट मेथड है, पार्स फ्लोट मेथड है, पार्स डबल मेथड है, हर एक रैपर क्लास का मेथड उसके क्लास के नेम के हिसाब से होता है और हर एक रैपर क्लास में वही सेम टाइप के मेथड्स होते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक तरह का मेथड्स के बारे में डिस्कस किया और वैसे और भी बहुत सारे मेथड्स हैं, वैल्यू ऑफ मेथड, एट वैल्यू मेथड, ओके, ऐसे बहुत सारे मेथड्स हैं जो कि हम यूज करते हैं प्रिमिटिव वैल्यूज को लेके ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, जो कि हर एक रैपर क्लासेस के अंदर पहले से डिफाइन किया गया है। ओके, तो हमने यहाँ पे सिर्फ एक ही रैपर क्लास, मतलब एक ही रैपर क्लास के मेथड के बारे में एग्जांपल लेके हमने यहाँ पे जस्ट डिस्कस किया। ओके, तो अब तक हमने देखा कि हर एक रैपर क्लास में बोथ इंस्टेंस मेथड्स भी होते हैं एंड क्लास मेथड्स भी होते हैं। तो इंस्टेंस मेथड हम किस तरह के मेथड को बोलते हैं, द मेथड डिफाइंड इन ए क्लास which is only accessible through the object of the class is called instance method. तो एक particular class के अपने खुद का कुछ ना कुछ data और अपने खुद का कुछ ना कुछ methods होते हैं, मतलब अपना खुद का कुछ ना कुछ properties होते हैं। तो उस particular class में जो भी methods है, फिर जो भी functions हैं, उन functions को अगर हम उस particular class के object के name के through ही directly access कर सकते हैं, object के name के अलावा directly class के name के through access नहीं कर सकते, उस particular method को हम बोलते हैं instance method. So instance method को हम non-static method भी बोल सकते हैं। ओके, देन आते हैं क्लास मेथड। किस तरह के मेथड को हम क्लास मेथड बोलते हैं, जिस तरह के मेथड को एक पर्टिकुलर क्लास के अंदर जो मेथड्स हैं उन मेथड्स को अगर हम डायरेक्टली क्लास के नेम के थ्रू एक्सेस कर पा रहे हैं तो उस तरह के मेथड्स को हम बोलते हैं क्लास मेथड, और क्लास मेथड को हम एक तरह का स्टैटिक मेथड भी बोल सकते हैं। ओके, सो आज के क्लास में हमने डिस्कस किया रैपर क्लास के बारे में कि रैपर क्लास क्या है। रैपर क्लास एक ऐसा कॉन्सेप्ट है हमारे जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो कि हमारे जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को 100% प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाने के लिए यूज किया गया है, जो कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को यूजर को ऑब्जेक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करके यूज करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि ताकि हमारा जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 100% प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन सके। ओके, सो हर एक प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के लिए रैपर क्लास होता है और रैपर क्लास पूरा एग्जैक्टली प्रिमिटिव डेटा टाइप के नेम के साथ सेम होता है, बट फर्स्ट लेटर क्या होता है, कैपिटल होता है, क्योंकि वो क्लास नेम है और क्लास नेम का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है। बट इंट एंड कैर, ये दो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं, उनका रैपर क्लास क्या होता है, इंट का होता है इंटीजर, कैर का होता है कैरेक्टर, और बाकी सबका रैपर क्लास का नेम उनके प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के नेम के साथ क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ओके, सो आई थिंक आज के क्लास में जिस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में हमने डिस्कस किया आप लोगों को समझ आ चुका है। सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक के बारे में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।